ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की रेसिपी को झट से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी साबूदाना। मात्रा में जाओगे तो यह है 200 ग्राम। साबूदाना के परांठे बनाते समय एक बात का ध्यान रखें, जो साबूदाना लें वो थोड़ा मोटा लें, छोटा जो बारीक आता है वो ना लें, क्योंकि मोटे साबूदाने से हमारे परांठे सॉफ्ट बनेंगे। अब एक कढ़ाई लें, उसमें साबूदाना को डाल दें। गैस की आंच को हम मध्यम ही रखें और लगातार चलाते हुए साबूदाने को भुनें। हमें साबूदाने को यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए ही भूनना है, वो भी मध्यम आंच पर, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका कलर चेंज ना हो। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा साबूदाना अच्छी तरह से भून चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक कटोरी में डाल के अलग रख देंगे, ताकि कढ़ाई में ये ओवर कुक ना हो जाए। अब इसे ठंडा करने रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसके आगे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 मध्यम आकार के टमाटर। टमाटर को बीच में से काटेंगे। टमाटर काटने के बाद अब एक ग्रेडर लेंगे। ग्रेडर के 2 पार्ट होते हैं ग्रेड करने वाले, एक मोटा और एक पतला। जो मोटा वाला पार्ट होता है हम उससे टमाटर को ग्रेड करेंगे, क्योंकि रेसिपी के इस पार्ट के लिए हमें टमाटर के छिलकों को यूज़ नहीं करना है। टमाटर के छिलकों को अलग कर देंगे और एक एक करके हम सारे टमाटर को ग्रेड कर लेंगे। सारे टमाटर अच्छी तरह से ग्रेड हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच घी के, या फिर आप जो भी घी अपने नवरात्रि में खाते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रेड किए हुए टमाटर को इनके अंदर डाल देंगे। अब 1 से 2 मिनट तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। 1 से 2 मिनट में जो यहाँ पर हो चुके हैं और टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। नवरात्रि के हिसाब से बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच चीनी का। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक कि इनका घी अलग ना हो जाए। टमाटर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही हमारा घी सेपरेट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। घी हमारा अलग हो चुका है, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे अलग रख देंगे। अब हमारा साबूदाना भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब एक मिक्सी का पॉट लेंगे, उसमें साबूदाने को डाल देंगे। मिक्सी चलाकर इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। साबूदाना हमारा बहुत अच्छी तरह से देखो पिस चुका है, लेकिन इसका जो टेक्सचर आएगा वो हल्का हल्का दरदरा ही आएगा, बिल्कुल स्मूथ पाउडर नहीं बनेगा। अब एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे एक स्ट्रेनर और साबूदाने को छानेंगे। छानने के बाद जितना भी हमारा मोटा मोटा साबूदाना ऊपर आएगा हम उसे मिक्सी में ला के दोबारा पीसेंगे। हमारा मोटा मोटा बहुत सारा साबूदाना ऊपर आ चुका है। अब मिक्सी का पॉट लेंगे, इसे एक दोबारा से पीसेंगे। अब जो हमने दोबारा पीसा है उसको भी हम एक बार और छान लेंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया साबूदाना का आटा तैयार हो जाएगा। अगर आप सभी नवरात्रे रखते हैं तो आप इस तरह से आटा बनाकर भी रख सकते हैं। हमारा साबूदाने का आटा अच्छी तरह से बन चुका है। अब लेंगे हम 3 उबले हुए आलू। तीनों आलू को अब हाथ से अच्छी तरह से मस लें, ताकि इसके अंदर भी कोई भी लम्स ना रह जाए। आप चाहो तो इसमें कद्दूकस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब साबूदाने के अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। इसे हाथ से मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए आलू। आलू और आटे को आप पहले अच्छी तरह से मिक्स करें। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हुए हैं, लेकिन ये अभी बहुत ड्राई है, तो इसलिए इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ ना डालें। इस पूरे आटे को भूनने में लगभग 1/2 कटोरी पानी इसमें चला जाएगा। मुझे मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली है और अच्छी तरह से इसका एक सॉफ्ट डो बना लिया है। अब एक पॉलिथीन लेंगे या एक पन्नी जिसमें हम पैकिंग करते हैं, उसे हल्का से एक पेड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब पन्नी को पेड़ से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। हाथ से पेड़े को दबाएंगे और बेलन की सहायता से एक पतली सी रोटी बना लेंगे। रोटी का साइज आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं।
रोटी पिलने के बाद ऊपर वाले पन्ने को हटा देंगे, एक ढक्कन लेंगे और इसे काट देंगे ताकि हमारी रोटी की बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप आए। ढक्कन की इस तरह से ध्यान रखें कि उसका एक जो किनारे हैं वो बिल्कुल शार्प हों। साइड वाले एजेस को हाथ से अलग कर देंगे, एक हाथ से पन्नी पकड़ेंगे, दूसरे हाथ में रोटी को रख लेंगे और तवे में अच्छी तरह से डाल देंगे। अब इस तरह से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर रोटी का साइज थोड़ा छोटा रखा है, अगर आप चाहो तो इसके साथ बड़ा भी रख सकते हैं। मेरे एक तवे में 2 से 3 रोटी आसानी से आ जाएंगी। ये एक तरह से पकनी शुरू हो गई है, देखो हल्की हल्की फूलने भी शुरू हो गई है। ये साइन है हमारी रोटी कितनी मुलायम बनी है। दोनों तरफ से रोटी को अच्छी तरह से सेकेंगे। अगर आप घी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से छोटी छोटी रोटी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर परांठे बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा घी जरूर लगाऊंगी। घी लगाने के बाद अच्छी तरह से हम सेकेंगे और हमारे बहुत बढ़िया, बहुत सॉफ्ट हमारे साबूदाने के परांठे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। इन परांठों को बनने में उतना ही समय लगता है जितना कि हमारे नॉर्मल परांठे बनाने में लगता है। परांठे का साइज छोटा था तो इसलिए मैंने एक तवे पर 4-4 भी बना रही हूँ। हमारे सारे परांठे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ जो मैंने पहले बनाई थी। आप अगर टमाटर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसे दही के साथ भी परोस सकते हैं। मेरे साबूदाने के परांठे की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक हैव अ नाइस डे, खाते रहें खिलाते रहें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।